गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपकी दूसरी क्लास करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो ओम्स लॉ रेस पर होगी। ओम्स लॉ क्या होता है, किस पर काम करता है, एसी पर काम करता है, डीसी पर काम करता है। तो जो आपकी क्लास होगी मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की होगी, जनरल इंजीनियरिंग के लिए सिविल फर्स्ट ईयर की ही सारी क्लास होगी। सिविल फर्स्ट ईयर के लिए BM EE सब्जेक्ट होगा, EC के लिए जो होगा EE फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, और कंप्यूटर साइंस जो फर्स्ट ईयर है उसके लिए BEEE होगा। तो कल जो क्लास पढ़ाई थी उसमें हमने बेसिक टर्म्स करंट क्या है, वोल्टेज क्या है बताया था, तो आज ओम्स लॉ के बारे में बताएंगे। ओम्स लॉ होता क्या है, ओम्स लॉ होता क्या है पता है किसी? सपोज डेट ये हमारा कोई एक परपथ, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट होगा, ये नेगेटिव पॉइंट होगा, ये आपकी वोल्टेज है, ये कोई लोड लगा हुआ है। तो ये ओम्स लॉ होता है, वो कहता है कोई भी हमारा कंडक्टर हो, कोई भी कंडक्टर जानते हो, इसमें करंट का फ्लो नॉर्मली हो जाता है, ठीक है, चालक जिसे कहते हैं, कोई भी कंडक्टर हो और उसकी भौतिक अवस्थाएँ हैं उसमें परिवर्तन ना किया जाए, तो उसके दो पोटेंशियल है, ये आपकी दो पॉइंट है, दो पॉइंटों के बाद अप्लाई की गई पोटेंशियल है विभवांतर के कारण एक करंट फ्लो होती है इसमें। ये दो पॉइंट है, ये इसमें क्या अप्लाई किया गया है, बी वोल्ट, इसको कहते हैं विभवांतर। इसी कारण एक क्या सर्किट में क्या फ्लो होने लगती है, करंट। तो इन पॉइंटों के विभवांतर का जो सर्किट में पॉइंट सॉरी करंट फ्लो होती है, उसी को करंट जो फ्लो होगी, तो इसमें वोल्टेज और करंट एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होंगे। तो ये क्या है, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब किसी भी चिन्ह को हम प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी नेतांक का प्रयोग करते हैं, तो बी। अब हम इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, हमने क्वेश्चन मान लिया आर, प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हमने किसका प्रयोग किया आर, किसी प्रोपोर्शन को हटाने के लिए एक नियतांक का प्रयोग करना होता है, आप भी लोग जानते होंगे। तो आर वाला क्या होगा, आर वाला होगा वी अपॉन आई, इसकी रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। तो इससे हमें क्या साबित होता है, ओम्स लॉ से दोबारा समझते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, यदि ये आपका चालक है, इसकी जो भौतिक अवस्था है ताप दाब एरिया लंबाई, इसको चेंज ना किया जाए, तो इस पर अप्लाई किए गए वोल्टेज, कोई भी हम वोल्टेज या विभवांतर इस पर अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई का उत्तर इस पर दे रहे हैं, तो उसके कारण इसमें इस सर्किट में क्या होता है, इस परपथ में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगती है। तो इस अप्लाई किए गए वोल्टेज के कारण जो करंट फ्लो हो रही है उसको किसके समानुपाती होती है, वोल्टेज के समानुपाती होती है। तो यह क्या है, ओम्स लॉ का यही सिद्धांत है। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे, हटाने के लिए हमने क्वेश्चन लगा दिया आर, अब यहाँ से आर की वैल्यू, क्वेश्चन की वैल्यू हमने निकाल ली, तो आर बराबर वी आई, किसमें गुणा में है, ये भाग में चला जाएगा, वी अपॉन आई। और आर क्या है, एक कॉन्स्टेंट है आर, एक क्या हो गया नेतांक, इसको नेतांक कह सकते हैं, आर नेतांक हो गया। अब इसमें टर्म्स की बात होती करते हैं, आर क्या है, वी क्या है, आई क्या है। तो आर क्या भाई, आर को हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, वी क्या है वोल्टेज,
आई क्या है, कर है। रेजिस्टेंस की हमेशा ओम में लेते हैं, वोल्टेज को वोल्ट में लेते हैं और करंट को एम्पियर में लेते हैं, ए एम पी वोल्ट में लेते हैं। तो ये टर्म हम याद रखेंगे। अब बात कर लो ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमेशा डीसी सर्किट पर लागू होता है, समझ लो डीसी। अब बात आती है ओम्स लॉ की क्या जरूरत पड़ी, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो बात हो गया। हमें कहीं तो लगता है आप लोगों को दुखा में कहीं है। अब ओम्स लॉ यानी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, आपको एक सर्किट बना के दिखाते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ओम्स लॉ क्या है, आर बराबर वी अपॉन आई, ये आपका ओम्स लॉ आ गया। सिर्फ करके हमने कोई इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, सिंपली ले लेते हैं, ठीक है, सिंपल ले लेंगे, बिल्कुल सिंपल। ये 5 ओम का यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। अब कहा जाए कि यहाँ पर ये बैटरी कितने वोल्टेज दे रही है, तो आप कैसे निकालोगे, तो छोटे छोटे सर्किटों के इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हम ओम्स लॉ का प्रयोग करते हैं। इसी को हम सॉल्व करते हैं, यानी आपकी आई है वो कितनी होगी, तो डायरेक्टली यहाँ से क्या है, तो आपके पास रेजिस्टेंस है, आर का वैल्यू कितना है 5 ओम, करंट का वैल्यू कितना है भाई, करंट का वैल्यू तो निकालना है। अब वोल्टेज कितने, वोल्टेज है 20 वोल्ट। तो आगे करते हैं, इस पर वैल्यू रख देते हैं, देखो आई की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ से आई बराबर क्या होगा, आई भाग में है तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और ये वाला इधर पहुँच जाएगा, ठीक है। तो आई बराबर क्या होगा, आई बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर। कुछ ही इसको घुमाया और कुछ नहीं, एक और घुमा के देखना, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है। वी बराबर क्या हो गया 20 और आर बराबर क्या हो गया 5, तो कितना आया, 5 × 3 बार करें 4 बार आ गया 4, क्या 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इसकी करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्किट होंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसी बेस पर आएंगी, तो कहेगा कि इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है या सर्किट में। अब इसी को एक और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसी सर्किट को हमने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ठीक है, ये आपका 5 ओम का जोड़ दिया। अब पूछा है प्रत्येक ब्रांच में करंट का मान, तो प्रत्येक ब्रांच में कैसे करूंगा, पर मान आई 1 नाम दे दिए, यहाँ पर आपने आई 2 नाम दे दिया इसको, तो आप प्रत्येक ब्रांच में वही करंट पूछिए, तो प्रत्येक ब्रांच में करंट निकालनी होगी, तो आपकी वैल्यू क्या है, तो वो टोटल यहाँ पर आप करंट निकालोगे, आई 1 ब्रांच में वैली, आई 2 इधर वैली है, ठीक है। अब इनमें करंट का वैल्यू निकालो, तो आर आपका हो गया 5 नहीं होगा, और ये दो प्रतिरोध हैं, ये किस में जुड़े होंगे, पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन आर बराबर 1 अपॉन आर 1 प्लस 1 अपॉन आर 2 से हम निकालेंगे, आर की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन आर 1/5 प्लस 1/5 बराबर 5 एलसीएम आ गया और 2 हो गया, तो आर की वैल्यू आ गई 5/2, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 ओम, ठीक है। वोल्टेज तो भी है, अब आपको तो किसी में अप्लाई करना है, फॉर्मूला आपका क्या हो गया 5/2 क्या है रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितने हैं, तो आई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 20 वोल्ट और आपका रेजिस्टेंस कितना है 5/2 और 2 है 2 पर चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40/5, तो 5 से कितनी बार कटेगा, आठ पर 8 एम्पीयर,
आई निकल के आई है यानी आई वन वो कितनी है 8 एम्पियर। यहाँ पर कितनी फ्लो हो रही है करंट 8 एम्पियर। इसे डिनोट कर देते हैं एम्पियर को। अब आपको 8 एम्पियर तो निकाल लें। अब आपसे पूछा गया है इस 5 ओम में कितनी होगी, ठीक है, इसमें पूछा गया। और सपोज डेट इसमें पूछ ले आए तो I3 कितनी होगी तो भी आपको बताना होगा। तो I1 तो आपने निकाल ली, अब I2 I3 निकाल के देखते हैं। तो निकालते कैसे, देखो यहाँ से ये क्या है जंक्शन, ये कोई संधि है, यहाँ से ये 8 एम्पियर की करंट इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। अब कितनी कितनी जाएगी वोल्टेज डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं और सिंपली भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इससे देखो 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है, 5 ओम का यहाँ है, दोनों बैरियर हैं जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध है उसकी वैल्यू सेम है। डायरेक्टली हम कह सकते हैं I2 बराबर I3। आपको एक सिंपल भाषा में हम इस न्यूमेरिकल को लिए समझाएं, यानी 5 ओम ये है 5 ओम ये है। आप ब्रेकर है किसी सड़क पर, कि मान लो आपकी कोई सड़क है, एक यहाँ ब्रेकर है एक यहाँ ब्रेकर है, तो भाई ब्रेक जब लगाओगे तो बराबर ऊंचाई होगी इनकी यानी बराबर वैल्यू होगी दोनों की, तो ब्रेक समान लगानी पड़ेगी उस स्पीड के लिए फिक्स के लिए। तो इतना ही ये ऊंचा है इतना ही ये ऊंचा है, तो आपको ब्रेक क्या लगानी बिल्कुल फिक्स समान लगानी होगी, इसलिए आपकी स्पीड दोनों जगह बराबर होगी। तो स्पीड का मतलब क्या है, क्या दौड़ रहा है इसमें करंट, तो दोनों जगह बराबर होगी। बराबर कैसे होगी, किंतु आई यहाँ पर क्या है, ये दोनों तो बराबर होगी एक दूसरे, किंतु आधी इधर जाएगी वही जो तो बराबर होगी, तो ये होगी I1/2 इन दोनों की आधी। यहाँ निकाल ली I2 बराबर I3 बराबर 8 एम्पियर बटे 2 कितना है 4 एम्पियर। I2 और I3 की वैल्यू कितनी है 4 एम्पियर। इसको नोट कीजिए, और नेक्स्ट पढ़ाएंगे आपको प्रतिरोध होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस या लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी रेजिस्टिविटी क्या होती है। उसका प्रतिरोध किन किन चीजों पर किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या आपका कोई कंडक्टर है वायर, ठीक है, ये ए बी कोई क्या है वायर, इसका प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध की निर्भरता। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब या रेजिस्टिविटी का मतलब होता है प्रतिरोध की निर्भरता। यहाँ एक पॉइंट नोट करेंगे, चालक के प्रतिरोध हम चालक के प्रतिरोध का होते हो कौन कौन से कारक होते हैं जिन पर निर्भर करते हैं, चालक की प्रतिरोधकता हमारे 3 कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि तापमान वगैरह ये होते हैं, एक तो होता लेंथ लंबाई इसकी क्या है, एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्षेत्रफल जो कह देते हैं हम, क्षेत्रफल किसी वायर का क्या होता है क्षेत्रफल नहीं देखा क्या होता है सेंटीमीटर मिलेंगे उसकी यूनिट की बात होती है, यूनिट पता है किसी को, बताइए।
तो पहला पॉइंट होता है किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है। पहला पॉइंट ध्यान से सुनो, किसी भी चालक है उसका प्रतिरोध उसकी लंबाई के पर निर्भर करता है, जो लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है। यानी हम कह सकते हैं कि चालक का प्रतिरोध है लंबाई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पहला पॉइंट हो गया लंबाई, लिख लेना लंबाई पर, ठीक है। तो लंबाई पर इसमें लिख लिया आप, तो लंबाई पर क्या निर्भर करता है, प्रतिरोध है जो डायरेक्टली इसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट जो होता है क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, तो क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर करता है, यदि आप किसी का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, बढ़ाना हो किसी वायर का, तो उसका क्षेत्रफल हम उसके अंदर ना घटाना होगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन ए। उस चीज़ से हमें क्या प्राप्त होता है, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ये इक्वेशन वन हो गई, ये इक्वेशन टू हो गई। इक्वेशन वन और टू से देखें, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू तो क्या निकलेंगे, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। किसी क्वेश्चन को हटाने के लिए किसी न किसी नेतांग, सॉरी क्वेश्चन को नहीं, डायरेक्ट प्रपोर्शन को हटाने के लिए किसी न किसी नेतांग का प्रयोग करना होता, तो यहाँ हम इसका प्रयोग कर देते, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी हो जाता है। यहाँ पर अब क्या है, एल क्या है भाई, लंबाई, चालक की लंबाई, ए क्या है, क्षेत्रफल चालक का। अब बात आती है आर, आर क्या है, प्रतिरोध, प्रतिरोध और आपका रो क्या है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी यही तो है, ये क्या है आपकी रेजिस्टिविटी, लॉ रेजिस्टिविटी का लॉ होता है। तो आपको यहाँ से क्या मालूम पड़ा है, इसे लॉ ऑफ रेजिस्टिविटी से भाई यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया आपका, यहाँ से इसको भी निकाल सकते हैं, रो बराबर आर अपॉन एल, ठीक है। इस चीज़ से हमें एक जानकारी मिलती है, कोई भी किसी चालक आपको प्रतिरोध बढ़ाना भाई दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर और एरिया पर। तो रेजिस्टेंस किसी को बढ़ाना होगा आपको, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो एल को भी आपको बढ़ाना होगा, और रेजिस्टेंस घटाना हो, डिक्रीज करना हो, तो एल भी क्या करनी होगी, घटानी होगी। यानी किसी वायर की हम लंबाई को बढ़ा दें तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और किसी लंबाई को वायर की लंबाई को घटा दें तो उसका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। दूसरे टर्म में देखते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के, तो रेजिस्टेंस आपको बढ़ाना होगा, तो आप डिक्रीज क्या करना होगा, एरिया को हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया डिक्रीज होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आर जब आपको घटाना होगा तो यहाँ पर एरिया को बढ़ा देंगे। इस चीज़ से ये निकलता है, देखो यहाँ पहला पॉइंट होता है, आप किसी वायर का एरिया को बढ़ा रहे हो, एरिया देखो यहाँ एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस लो होगा, अगर एरिया घटा दे तो रेजिस्टेंस आपका, एरिया घटा दे तो रेजिस्टेंस आपका हाई हो जाएगा। तो दो चीज़ आपने करना, एक तो लेंथ पर और एक एरिया पर, ठीक है स्टूडेंट। तो कल के लिए, आज के लिए इतना ही, कल आपको इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, ओम सलो पर न्यूमेरिकल हमने करा दिए, बाकी आप लोगों को नोट करना है, इसको नोट बना रहे। ओके, थैंक यू।